राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले खरबूज के बारे में। हम जानेंगे कि हमारे खेत में कितना खाद है और पौधा स्वस्थ है या नहीं है। अब जैसा कि इधर हमने तरबूज लगाया है और हमने सिर्फ घर के लिए खरबूजा लगाया है, बहुत हल्की यहाँ पे बेड बनी हुई है। उसके बाद भी इसका तना देख सकते हो आप, फ्रूटिंग मतलब इसमें कितनी जबरी ब्रांचिंग है। पौधा एक ही पौधा, सिंगल पौधा है और इसका हेवीपन देखिए आप, कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए हमने लगाया खरबूजा। अगले साल तो, पिछले साल तो बहुत लगाया था, लेकिन इस बार तो सिर्फ हमने खाने के लिए लगाया। लेकिन इससे भी जबरा करते हैं हम खरबूजा। पिछले साल हमने बहुत ज़बरदस्त खरबूजा करा था। अब भी आप देख सकते हो इसमें, मतलब हमारे खेतों में खाद ही इतना रहता है, गोबर की खाद, बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह इतना चलता है, तो तरबूज की फसल तो चलती ही चलती है। लेकिन खरबूजे का आप ये देख सकते हो रौद्र रूप, कितना खतरनाक है। पौधा कितना नीचे से हल्का है, बाद में जबरा हुआ ये। अब ऐसे अगर अपना जो तना बन जाए, पौधा बन जाए, तो उत्पादन तो आप अपने को मिलता ही है। देख सकते हो कितना जबरा है, पत्ता है, तना है, अच्छा है। तो हमारे खेतों में क्या खाद वाद अच्छा रहता है, पानी अच्छा चलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छा देते हैं, इसी वजह से हमारे खेत में फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। आप भी गोबर की खाद का यूज़ करें, गोबर की खाद का बहुत सारा बेनिफिट रहता है। और अगर आप गोबर की खाद यूज़ करोगे तो आप में आपके खेत में जो पौधे रहेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसमें बीमारियां कम आएंगी। तो ये सभी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अगर ड्रिप मल्चिंग की खेती में लेके चलेंगे तो किसान बहुत प्रॉफिट कमाएगा। और जो किसान भाई भी हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।